हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी टॉपिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं यूपी SSSC पेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। फ्रेंड्स, टॉप 60 क्वेश्चन है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यूपी SSSC पेट में पूछे जा चुके हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत में आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर 1905। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के समय भारत का आश्रय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म गली आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार का मरुस्थल जो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष चिता को जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ रक्त समूह को और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर और जल का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 373 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानव ईश्वर ही खाली स्थान हो गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कष्टदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलने चलना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकटपूर्ण कठिन काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि कैसे चेंज हुआ है।
पहले है, पहला MAKE मेक को सबसे पहले, ए को पहले लिखा गया, फिर उसके बाद लास्ट वाले को दूसरे नंबर पे लिखा है। इसी प्रकार जस्ट को भी UTSJ लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को IMINC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? इसमें पहले दो ऐड करने हैं, फिर दो घटाने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ARCPAKJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। इसमें फ्रेंड्स पहले 1 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का हो जाएगा। उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1331।